मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में गुरुवार दोपहर 12 सीटों वाला एक विमान के परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 2 दिनों में यह दूसरा हवाई हादसा है। पुलिस ने बताया कि विमान घाट कोपर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मरने वालों में विमान में सवार 2 पायलट, 2 उड़ान इंजीनियर और 1 राहगीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जुहू हवाई पट्टी से उड़ान भरने वाला 12 सीटों का AC-90 विमान घाट कोपर के जागृति नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों का एक दल जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस दमकल की गाड़ियां और आपदा प्रबंधन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। मृतकों के शवों को घाट कोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया है। यह विमान उत्तर प्रदेश सरकार के पास था और बाद में इसे मुंबई की UI एविएशन को बेच दिया गया था। इस बीच नगर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि वह इस हादसे की विस्तृत जांच करेगा।